नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका बैटरी गुरु जी यूट्यूब चैनल पर। अभी आप देख सकते हैं हमारे स्टूडियो टेबल पर है 3 इन्वर्टर्स और तीनों ही ल्यूमिनस मेक के हैं। अभी दूर से आपको देखकर लग रहा होगा कि तीनों ही इन्वर्टर सेम है, बट इन तीनों की स्पेसिफिकेशन और कैपेसिटी अलग अलग है और ये तीनों ही इन्वर्टर्स 12 वोल्ट के हैं। ये जो आप इन्वर्टर देख रहे हैं ये ल्यूमिनस का 800 मॉडल है, ये ल्यूमिनस का 900 मॉडल है और ये ल्यूमिनस का 1050 मॉडल है। अब ये तीनों ही एक ही बैटरी के ऊपर ऑपरेट होते हैं और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग लाइव टेस्ट करने वाले हैं कि इन तीनों ही इन्वर्टर की लिफ्टिंग कैपेसिटी कितनी है और आप इनके ऊपर कितना लोड डाल सकते हैं। तो हम लाइव लोड डालकर टेस्ट करेंगे यही चीज़। अब आप ये चीज़ ज़रूर सोच रहे होगी कि कंपनी तो बताती है कि इन्वर्टर्स के ऊपर आप कितना लोड डाल सकते हैं, बट हमने स्टिल सोचा कि हम खुद एक बार लाइव टेस्ट कर देख लेते हैं कि हम इसके ऊपर कितना लोड चला पाएंगे। सो दोस्तों, यूट्यूब के ऊपर आपको इस तरीके की वीडियो कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें। सो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग टेस्ट करेंगे ल्यूमिनस के इकोवॉट 800 मॉडल को। और अगर टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो एज पर कंपनी ये 700 VA का इन्वर्टर है और आप इसके ऊपर 588 वॉट्स का लोड डाल सकते हैं। अब हम यहाँ पर लोड डालने के लिए हमने यहाँ पर जो पूरा लोड है उसको ले आए हैं, साथ में जो एनर्जी मीटर है ये हमें बताएगा कि हम कितने वॉट्स के इसके ऊपर लोड डाल रहे हैं, तो वो भी हमने इससे कनेक्ट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर लोड को डालते हैं और अभी हमने यहाँ पर जो लोड डाल दिया है वो है पूरे 450 वॉट का और वो आराम से चल रहा है। अब हम लोड को थोड़ा और इंक्रीज करेंगे और अब हमने इसके ऊपर जो लोड डाला है वो है 470 वॉट्स का, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अभी एक दो मिनट चलने देते हैं, देखते हैं कि ओवरलोड तो नहीं हो रहा है। तो आपने देखा कि 470 वॉट्स का हमने जब इसके ऊपर लोड डाला तो ये ओवरलोड हो गया है। तो इस इन्वर्टर के ऊपर आप 450 वॉट्स का जो लोड है वो आराम से चला सकते हैं। अगर आप इससे ऊपर एक्सेस करेंगे तो ये ओवरलोड दिखा देगा। सो अब एक बार इस इन्वर्टर की चार्जिंग वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं कि बैटरी को कितने एम्पीयर से चार्ज कर रहा है। उसके लिए हमने इस इन्वर्टर को मेन से कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पर हमने क्लैंप मीटर लगा लिया है और क्लैंप मीटर के हिसाब से ये इन्वर्टर बैटरी को 14 एम्पीयर से चार्ज कर रहा है। सो दोस्तों, अब बारी आती है ल्यूमिनस के 900 मॉडल की। और अगर इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो कंपनी के हिसाब से 800 VA का इन्वर्टर है और आप इसके ऊपर 672 वॉट्स का बल्ब लोड चला सकते हैं। तो अब हम यहां पर अगेन जो लोड है उसको कनेक्ट करने वाले हैं और यहां पर आप देख सकते हो कि जो एनर्जी मीटर है वो 0 है। अब मैं यहाँ पर लोड इंक्रीज करूँगा और यहाँ पर जो लोड अभी चल रहा है और जो मैंने डाला है वो 511 वॉट्स का है, आराम से लोड चल रहा है। अब हम लोड इंक्रीज़ करेंगे और अब मैंने यहाँ पर जो लोड है उसको और इंक्रीज़ कर दिया है, 518 वॉट्स के आसपास का जो लोड है वो मैंने बढ़ा दिया। तो आप लोगों ने देखा जैसे ही मैंने लोड 518 वॉट्स के आसपास कर दिया तो ये ओवरलोड हो गया। तो आप इस इन्वर्टर के ऊपर ना 510 वॉट के आसपास जो लोड है वो आराम से चला सकते हो। अब इस इन्वर्टर को एक बार मेन से भी कनेक्ट कर लेते हैं और इसकी चार्जिंग करंट भी चेक कर लेते हैं कि ये बैटरी को कितने एम्पीयर से चार्ज करता है। सो यहाँ पर अब हमारे पास जो क्लैंप मीटर है वो आ चुका है और ये भी बैटरी को सेम एम्पेयर से चार्ज कर रहा है, 14 एम्पेयर से बैटरी को चार्ज कर रहा है। सो दोस्तों, अब टेस्ट करेंगे हम ल्यूमिनस के 1050 इन्वर्टर को और कंपनी के हिसाब से इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है 900 VA का इन्वर्टर है और आप इसके ऊपर 756 वॉट्स का लोड चला सकते हैं। अब हम इसके ऊपर लोड डालकर यहाँ पर टेस्ट करने वाले हैं और यहाँ पर हमने जो लोड है वो इसके ऊपर पूरे 610 वॉट का डाल दिया और वो आराम से इसके ऊपर चल रहा है। अब हम लोड को और इंक्रीज करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो अब हमने जो लोड है वो 635 वॉट का डाल दिया है और 635 वॉट का लोड डालते ही ये बंद हो गया है। तो आप इसके ऊपर 610 वॉट का जो लोड है वो आराम से चला सकते हो। अब हम इस इन्वर्टर को एक बार मेन से भी कनेक्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि बैटरी को कितने एम्पीयर से चार्ज करता है। सो आप यहाँ पर देख सकते हो हमने इन्वर्टर को मेन से कनेक्ट कर लिया और क्लैंप मीटर हमारे पास है और ये बैटरी को चार्ज कर रहा है 17.74 एम्पेयर से, यानी कि ये इन्वर्टर बैटरी को ज़्यादा एम्पेयर से चार्ज करता है एज़ कम्पेयर टू इन दोनों ही इन्वर्टर से। सो यहाँ पर अगर बात करें हम ओवरऑल, तो आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि जो कंपनी ने हमें स्पेसिफिकेशन बताई थी कि कितना आप इसके ऊपर बल्ब लोड यानी कि कितने वॉट्स का लोड चला सकते हैं, तो उससे अप्रॉक्सीमेटली 130 से 140 वॉट तो कम ही जो लोड है वो इन्वर्टर्स ने चला पाया है। और इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ जो कंपनी लोड बताती है
उससे थोड़ा सा कम ही आप मानकर चलो और उससे कम ही लोड इन्वर्टर के ऊपर डाला कीजिए। और उम्मीद करता हूँ कि आपको बेटर क्लैरिटी आ पाई होगी इस वीडियो से कि आप इन इन्वर्टर्स के ऊपर कितना बल्ब लोड डाल सकते हैं और अब आप अपने लोड के अकॉर्डिंग ही इन्वर्टर्स को चूज़ कीजिए कि आप कितना लोड डालना चाहते हैं और आपके लिए कौन सा इन्वर्टर फिट है इन तीनों में से, या फिर कोई और भी अगर आप ब्रांड चूज़ कर रहे हैं तो उसमें से आपको कौन सा इन्वर्टर चूज़ करना चाहिए, तो ये आइडिया आपको ज़रूर अब आ चुका होगा। सो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।